और अब बात करते हैं रश्मि देसाई की, जो टीवी सीरियल उत्तरण में तपस्या के कैरेक्टर से पॉपुलर हुई थी। डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा 5 का हिस्सा बनकर उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपना डांसिंग टैलेंट भी दर्शकों को दिखाया। अब जल्द ही वो एक्शन रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 6 में खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या रश्मि को ये सब करते हुए डर नहीं लगा, ये जाना हमारे संवाददाता विदिता प्रताप ने। हमारे साथ है रश्मि, जो कि स्टंट्स के लिए तैयार है। क्या कहेंगे रश्मि, एक अलग अंदाज दिखने वाला है आपका? कंप्लीट रश्मि अलग दिखने वाली है, क्योंकि रश्मि भी कुछ अलग करने की कोशिश करने के साथ ही इस शो में हिस्सा लेने जा रही है। मैं जब करने जा रही थी, मैंने बोला मैं डेलिकेट थी, छोटी सी, मैंने कभी डांस वांस के आगे कुछ नया ट्राई किया नहीं है। लिप्स विप्स करा लो, बहुत खुशी से कर लेती हूँ, मुझे इधर उधर लटका के डांस वांस कर सकती हूँ। बट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग चैलेंज टू योर ओन सेल्फ। आप दूसरों से क्या कॉम्पिटिशन करोगे, आप पहले अपने आप से ही कर लो बहुत है, बिकॉज ये सारी चीजें करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, जो हमें रोहित सर ने दिया है और मेरे बाकी सारे कंटेस्टेंट ने दिया है। सास बहु की जो बहू है वो स्टंट्स करने के लिए तैयार है, सासी स्टंट्स। ऐसे सास बहु की बहू को इतना कमजोर क्यों समझ रखा है, बहू बहुत स्ट्रांग होती है तब जाके सास बनती है वो। जानना चाहेंगे कि कौन से स्टंट्स किए आपने और किस तरह की तैयारियां की आपने? तैयारियां तो कुछ नहीं ज्यादा, डेफिनेटली आपको हेल्दी और फिट तो होना ही चाहिए, बट उसके अलावा भी आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी स्टंट देखते हैं वो आप बिल्कुल भी नॉर्मली ट्राई नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें पूरी सेफ्टी दी जाती है इन सारे स्टंट के लिए और फिर हम परफॉर्म करते हैं। स्टंट्स की बात की जाए तो क्या आप बचपन से कोई स्टंट्स करते थे या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा आपका बचपन में या अब तक? मैं बचपन से डांस के अलावा कोई स्टंट नहीं करती थी, सिर्फ डांस करती थी। अच्छा, कौन सा पार्ट है जो कि काफी चैलेंजिंग रहा आपको इस स्टंट्स में? सारे ही स्टंट बहुत चैलेंजिंग थे, बिकॉज उनको प्रॉपरली डिजाइन किया जाता था और कोई फिल्म से इंस्पायर्ड है, कोई रियल लाइफ के किसी वीडियोस जो आपको भेजे जाते हैं उनसे इंस्पायर्ड है, कुछ आप सोचते हो दैट यू नो ये एडवेंचर है, हमको इसे ट्विस्ट और टर्न करके उसे स्टंट बना दिया जाता है, एंड कुछ अपने हिसाब से नया भी ट्राई किया जाता है। तो एवरी स्टंट विच यू सी वो आपको एवरी ईयर एक टीम है जो हमें पता चली है वहां जाने के बाद कि उसे प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, फिर उसे ट्राई और टेस्टेड किया जाता है, इफ इट्स नॉट सेफ तो वो नहीं करते। 14 कंटेस्टेंट्स थे, तो किस तरह का ना कौन सा कंटेस्टेंट ज्यादा स्ट्रांग लगा आपको? सारे के सारे बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रांग थे, लड़कियां बहुत स्ट्रांग थी इस बार। मेरे हिसाब से मुझे आशीष और हुसैन बहुत स्ट्रांग लगते थे। आपको कभी प्रिपरेशन में मदद किया? सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। इट्स लाइक खतरों के खिलाड़ी डर का ब्लॉकबस्टर 6 इज अ वेरी थिक बिग जॉइंट फैमिली, बहुत एक दूसरे को बूस्ट करते थे। अगर हम लोग मना कर देते थे तो इकट्ठे सब ऐसे स्ट्रेस में रहते थे, मना नहीं करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए परफॉर्म, एटलीस्ट परफॉर्म, स्टंट तो पूरा करो, और वो करते थे। हम लाइफ में कभी एक्सपीरियंस रहा कोई खतरों के खिलाड़ी जैसे, कोई स्टंट करने का मौका मिला आपको? हाँ, मैं बहुत एडवेंचरस पर्सन हूँ, मुझे जंप भी अभी इंडिया में भी एक हैदराबाद में है बंजी जंपिंग, मुझे बहुत करने का मन था, लेकिन वो वेदर के हिसाब से अब लोग नहीं जाते, ट्राई नहीं करना चाहते कोई ऐसी चीजें, तो वो बंद हो गया था। बट आई वुड लव टू डू, जब मैं अब्रॉड भी ट्रैवल करती हूँ आई डू लॉट ऑफ स्टफ, और अब मैं जब वापस केप टाउन से आ रही थी तो मुझे मन था काफी कि मैं स्काई डाइविंग करके आऊँ, जो पूरा नहीं हुआ। आप इस वक्त गर्ल पावर बढ़ा रहे हो, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को जो देखेंगे आपके स्टंट्स? मुझे लगता है मुझे कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है गर्ल्स को, बिकॉज आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और बाकी सारी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो अपने अपने मुकाम पे बहुत अच्छा कर रही है और खूब आगे बढ़ रही है, एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि शायद थोड़ा और समय जाने दीजिए, आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि लड़कियां कितनी स्ट्रांग है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रश्मि, जो कि स्टंट्स के लिए तैयार है। कैमरामैन चंदन के साथ विदिता प्रताप, न्यूज एक्सप्रेस।